नमस्कार दोस्तों, मैं एलके गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, इसके संबंध में हम चर्चा करना चाहते हैं। क्या मुकदमा की शुरुआत के समय न्यायालय को यह देखना चाहिए कि चार्जशीट में लिखे मुजरिमानों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी अपराध में शामिल है? क्या पुलिस द्वारा छोड़े गए मुजरिमों को न्यायालय बुला सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर जी हाँ। अभी हाल ही के निर्णय नहार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट, दिनांक 16 मार्च 2022 को ये निर्णय किया गया कि कोई भी न्यायालय 191B के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान करता है, यानी पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की जाती है, उस समय उसे देखना है और वो उस मटेरियल यानी चार्जशीट के साथ केस डायरी और अन्य कागजात जिन्हें न्यायालय द्वारा देखना चाहिए, और वो अगर देखता है तब उसे स्वयं के विवेक का प्रयोग करना है। इस मामले में बादिया द्वारा अपनी बेटी के अपहरण और बलात्कार का मुकदमा कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया। पीड़िता की बरामदगी हुई और पीड़िता ने 3 लोगों के नाम का खुलासा किया अपने 164 के बयान में। इससे पहले इस अपीलकर्ता यानी जिस व्यक्ति के संबंध में, नाहर सिंह के संबंध में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, उसके नाम का खुलासा कहीं नहीं था। एफआईआर में, 161 के बयानों में, अन्य किसी जगह नहीं था। केवल 164 के बयान में पीड़िता ने यह कहा कि अन्य मुजरिमानों के साथ मिलकर नाहर सिंह ने मेरे साथ बलात्कार किया है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दाखिल की गई, चार्जशीट में 2 लोगों के नाम का खुलासा किया गया, लेकिन नाहर सिंह के नाम का खुलासा नहीं किया। न्यायालय के सामने आरोप पत्र दाखिल हुआ और न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया। जिस समय संज्ञान लिया उस समय इन तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगली तारीख पर बादिया ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि वो व्यक्ति यानी नहार सिंह, जिसे पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है, उसको छोड़ दिया है, उसका नाम निकाल दिया है, उसको तलब किया जाए। मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ये पाया गया कि ये गलत है और प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। इस प्रार्थना पत्र के खिलाफ बादिया ने सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। उस रिवीजन में मजिस्ट्रेट के आर्डर को खारिज किया और ये निर्देश दिया कि आप सुनवाई करके इस पर निर्णय करें। मजिस्ट्रेट ने उस रिवीजन के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त नाहर सिंह को तलब कर लिया। नाहर सिंह द्वारा आपत्ति की गई और उसके बाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई और रिट में ये प्रश्न उठाया कि एक बार संज्ञान करने के बाद मजिस्ट्रेट कमटल करेगा और उसके बाद ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार है कि वो 319 के अंतर्गत उसे तलब करे यानी समन करे, बुलाए। लेकिन यह मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेने के बाद उसको बुलाया है, यह सरासर गलत है।
हाई कोर्ट द्वारा इस दलील को स्वीकार नहीं किया गया और उसकी रिट को खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ नाहर सिंह सुप्रीम कोर्ट गया और ये प्रश्न वहां उठाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय करते हुए कहा कि केवल मजिस्ट्रेट की पावर को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लिमिटेड नहीं किया जा सकता। यदि मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया ये पाता है कि उसके सामने रिकॉर्ड है और आरोपित यानी चार्जशीट में भेजे गए व्यक्तियों के अलावा कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त है, तब वह उसे बुला सकता है, समन कर सकता है, उसे ये अधिकार है। वो 190 उपधारा वन उपधारा वी के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इस समय उसकी पावर, उसका क्षेत्राधिकार किसी भी व्यक्ति को जो अपराध में शामिल है बुलाने का है। केवल FIR 161 के बयान, आरोप पत्र, अन्य डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं रहा जा सकता है। 164 के बयान को भी कंसीडर किया जाएगा, 164 के बयान पर भी कार्य किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम 164 में आया है तो उसे आरोपी बनाया जाना चाहिए, ऐसा मत सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया। पुलिस द्वारा अगर किसी को छोड़ा गया है तो कोर्ट उसे पकड़ सकता है। आपके सामने मैंने लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रखा। किसी भी तरह के प्रश्न आपके विचार में आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।